हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर पर निबंध लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रस्तावना। आज के युग में कंप्यूटर मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह केवल एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक है जिसने मानव दुनिया को बदल कर रख दिया है। सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर के महत्व को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल उनके अध्ययन में मदद करता है बल्कि भविष्य में उनके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आधुनिक कंप्यूटर का विकास 20वीं सदी में हुआ और यह समय के साथ और भी एडवांस होता जा रहा है। आज कंप्यूटर न केवल गणनाओं के लिए बल्कि डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग और मल्टीमीडिया कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस। लेकिन लैपटॉप में ये सभी डिवाइस ऑल इन वन है, मतलब लैपटॉप के अंदर ही होते हैं। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स कंप्यूटर को सही ढंग से कार्य में करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का समन्वय कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं उसको चलने में सरलता, सटीकता और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने की क्षमता है। यह हमारे दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा ने छात्रों के अध्ययन को और भी आसान बना दिया है और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। कंप्यूटर की उपयोगिता। इंटरनेट ने कंप्यूटर की उपयोगिता को भी और भी बढ़ा दिया है। इसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने संचार को बेहद आसान बना दिया है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सुविधाएं भी देता है। कंप्यूटर के नकारात्मक प्रभाव। कंप्यूटर के अधिक उपयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, जैसे आंखों में तनाव, पीठ दर्द और मोटापा। इसके अलावा साइबर क्राइम और डेटा चोरी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है, इसीलिए कंप्यूटर का सही और सुरक्षित उपयोग करना आवश्यक है। निष्कर्ष। एक तरह जहां कंप्यूटर एक अद्भुत आविष्कार है जिसने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, छात्रों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान न केवल उनके वर्तमान अध्ययन में सहायक है बल्कि उनके भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही कंप्यूटर कई नुकसान भी है, इसलिए कंप्यूटर के सही उपयोग और उसके संभावित खतरों के प्रति जागरूक रहकर हम उसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह निबंध आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।